जोजो किड्स। दो कौवे। एक जंगल में दो कौवे रहते थे, एक था कालू और दूसरे का नाम था भोलू। दोनों मिलजुल कर साथ साथ रहते थे, लेकिन उनमें से कालू बहुत चालाक और हट्टा कट्टा था, और बेचारा भोलू जैसा नाम वैसा ही सीधा और सादा था। एक दिन कालू और भोलू में बहस हो गई। मैं तुमसे ज्यादा हट्टा कट्टा हूँ, इसलिए मैं तुमसे ताकतवर हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और ज्यादा समझदार हूँ। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। कालू कहता है कि वह ताकतवर है, और भोलू कहता है कि वो ताकतवर है। बस ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब दोनों अपने बीच में प्रतियोगिता रखते हैं। जो भी अपनी चोंच में एक थैली में कुछ भरकर जितना ज्यादा ऊपर उड़ेगा वो ही ताकतवर होगा। कालू बहुत चालाक था, उसने अपने थैले में रुई की गेंदें भर दी, लेकिन भोलू के थैले में नमक भर दिया, जिस बात का भोलू को पता ही नहीं चला। अब दोनों ने उड़ान भरनी शुरू की। देखते ही देखते कालू ऊपर की तरफ चला गया, और बेचारा भोलू वजन के मारे ज्यादा देर तक ऊपर नहीं उड़ पाया। वह नीचे नीचे ही उड़ता रहा, क्योंकि उसकी थैली में ज्यादा वजन था। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। कालू बहुत परेशान हो गया, क्योंकि रुई की गेंदें बारिश के पानी की वजह से भारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसका थैला भी भारी हो गया था। उसे उड़ने में बहुत परेशानी होने लगी, लेकिन भोलू को बारिश अच्छी लगने लगी, क्योंकि बारिश के कारण उसका थैला अब हल्का हो गया था, क्योंकि बारिश के कारण उसके थैले में रखा नमक घुलने लगा था। अब भोलू ऊपर उड़ने लगा, और उसने चुनौती भी जीत ली। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। एक जंगल में बहुत खतरनाक शेर रहता था, क्योंकि वो जंगल का राजा था और बहुत खतरनाक भी, इसीलिए सभी उससे बहुत डरते थे। वो जब चाहता किसी भी जंगल के जानवर को खा जाता, सिवाय चार दोस्त गायों को छोड़कर। चारों गायें बहुत ताकतवर थीं, क्योंकि वे हमेशा ही साथ साथ रहती थी। कब तक बचेंगी ये मुझसे? एक ना एक दिन तो मैं इन्हें खा ही जाऊंगा। जब तक ये चारों साथ हैं, बस तभी तक सुरक्षित हैं। एक दिन चारों गाय आपस में झगड़ने लगी। पहली बोली, बस अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी गाय बोली, तो तुम चली जाओ यहाँ से, मना किसने किया है। तीसरी ने कहा, तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। तीनों की बातें सुन चौथी गाय को भी गुस्सा आ गया, और वह बोली, ठीक है, झगड़ो मत, आज से हम सब अलग अलग रहेंगे। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, अब इन्हें मेरा खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनकी एकता ही इनकी ताकत थी, और इन बेवकूफों ने अपनी ही बलि चढ़ा दी। और इस मौके का शेर ने पूरा पूरा फायदा उठाया, और एक एक करके चारों को अपना भोजन बना लिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। कौवा और बंदर। एक बड़े से बरगद के पेड़ के ऊपर कौवे का छोटा सा घोंसला था। वह अपने परिवार के साथ वहां रहता था। वह बहुत समझदार और मेहनती था, पर उसमें एक कमी भी थी।
वह बिना वजह सबको सलाह देता जो कभी किसी को पसंद नहीं आती थी और इसी बात का उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। एक दिन जंगल में बहुत बरसात हुई, सभी जानवर अपने अपने घरों में जाकर छिप गए, लेकिन कौवा निश्चिंत था क्योंकि वह भी अपने घोंसले में सुरक्षित था। तभी उसने देखा कि एक बंदर भीगता हुआ पेड़ पर चढ़ गया और वह ठंड से बहुत कांप रहा था। अरे भाई बंदर, तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते? यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? बंदर ने कांपते हुए कहा। मेरा तो घर यह पेड़ ही है, मैंने तो कभी घर बनाया ही नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं। तुम बंदर बहुत मूर्ख होते हो, मैंने तो बरसातों से पहले ही अपना घर बना लिया। देखो मैं कितना सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार भी सुरक्षित है। बंदर को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर कौवे का घोंसला तोड़ दिया। अब समझे, इसीलिए कहते हैं हमें बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। दो बिल्लियाँ और बंदर। एक शहर में दो बिल्लियाँ थी, वो दोनों साथ साथ खेलती और खाना भी साथ साथ ढूंढती। एक का नाम था लूसी और दूसरी का नाम था पूसी। दोनों खाने के लिए बहुत झगड़ा भी करती थी। दोनों चोरी करने में बेहद माहिर थी। जब भी किसी के घर का दरवाजा खुला रह जाता, वो तुरंत जाकर रसोई से दूध पी लेती। एक बार वे दोनों खाने की तलाश में घूम रही थी, अचानक रास्ते में उन्हें एक रोटी दिखाई दी। लूसी ने कहा, अरे वाह, ये कितनी स्वादिष्ट रोटी है, मेरा तो खाने का इंतजाम हो गया। पूसी ने कहा, क्या कहा? यह रोटी मेरी है, मैंने इसे पहले देखा था। तुम जाओ यहाँ से। लूसी ने कहा, क्या तुम हमेशा दूसरों का खाना खाती हो, दूसरों से छीनती हो? चली जाओ यहाँ से, ये मेरी रोटी है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, यह रोटी मेरी है, लालची कहीं की। मेरी, 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 मेरी। दोनों बिल्लियाँ जोर जोर से रोटी के लिए आपस में झगड़ने लगी। तभी वहाँ उनका दोस्त बंदर आ गया। बंदर ने कहा, इतनी सी बात पे क्या झगड़ना, मैं इस रोटी को आधा कर देता हूँ, तुम दोनों उसे खा लो। आ बंदर, हमारी बहुत मदद हो जाएगी, ये तो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। लो, हो गए रोटी के दो टुकड़े। नहीं नहीं, इसमें एक छोटा है। लाओ, मैं अभी बराबर कर देता हूँ। अरे ये अभी भी छोटा है। लाओ, मैं फिर बराबर कर देता हूँ। बस इसी तरह चालाक बंदर ने थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी को खा लिया और दोनों बिल्लियाँ यह देखकर सर पकड़ने लगी। अरे ये हमने क्या किया, ये चालाक बंदर तो हमारी रोटी खा गया। ठीक ही कहा है किसी ने, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तो हम दोनों बांट कर इस रोटी को खा लेते, है ना पूसी? हाँ लूसी। इस शोर ने नन्हे खरगोश को बुरी तरह से डरा दिया था। ओ, ओ, ये कैसी डरावनी आवाज आ रही है, मुझे कहीं खुद को छुपा लेना चाहिए। ओ, हे भगवान, मुझे बचा लो। खरगोश अपने बिल में जाकर छुप गया, जो एक आम के पेड़ के नीचे था। अचानक उसने एक बहुत डरावनी आवाज सुनी। डरा हुआ खरगोश अपने बिल से उछलकर बाहर आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और खरगोश डर के मारे भागने लगा। रास्ते में उसे भेड़िया मिला। भेड़िये ने खरगोश से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो भाई, क्या हुआ मुझे बताओ। क्या तुमने डरावनी आवाज नहीं सुनी? अरे भागो, क्या तुम्हें नहीं पता आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, भागो भागो।
यह कहकर खरगोश फिर से भागने लगा। यह सुनकर भेड़िया भी खरगोश के साथ भागने लगा। इन्हें देखकर बाकी जानवर जैसे हाथी, जिराफ, घोड़ा और बंदर सभी इनके साथ भागने लगे। सभी जानवरों की आवाज सुनकर शेर गुफा से बाहर आता है और दहाड़ते हुए गुस्से में पूछता है, तुम सब क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? खरगोश ने जवाब दिया, आसमान गिर रहा है। शेर यह सुनकर हैरान हो गया, तुमसे किसने कहा कि आसमान गिर रहा है? खरगोश ने शेर को सब बताया, लेकिन शेर को खरगोश की बात पर यकीन नहीं हुआ। शेर ने खरगोश को उस जगह पर लेकर जाने को कहा जहां आसमान गिर रहा था। खरगोश, शेर और सभी जानवरों को साथ लेकर आम के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन सबने वहां क्या देखा? ये क्या? वहां तो एक बड़ा आम गिरा पड़ा था। ये देख शेर जोर से हंसने लगा, हो हो हो। सभी जानवर अब समझ चुके थे कि वो खरगोश की बातों में आ गए थे। हमें बिना सोचे समझे किसी भी फैसले पर नहीं आना चाहिए। ये बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक ताकतवर शेर आया। वह अपनी मर्जी से जब चाहता किसी भी जानवर को पकड़कर मार डालता और खा जाता। धीरे धीरे जानवर जंगल में कम होने लगे। इस बात से परेशान होकर सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया और शेर से मिलने पहुंच गए। वहां पहुंचकर सभी जानवरों ने अपनी बात शेर के सामने रखी। हाथी बोला, जंगल के हम सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय? हम में से हर रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आएगा। आपको शिकार ढूंढना नहीं पड़ेगा। अरे, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? कैसे विश्वास करूं? ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में हम सब मर जाएंगे। जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। आप तो राजा हैं, हमें सेवा का मौका दे दीजिए। ठीक है, लेकिन समय से हर रोज भोजन भेजना ही होगा, वरना। अब हर रोज एक जानवर भोजन बनकर जाने लगा। एक दिन चालाक खरगोश की बारी आई। खरगोश नियमित समय पर नहीं गया। उसके दिमाग में एक उपाय चल रहा था, जिसके चलते वह देरी से गया। जब वह वहां पहुंचा, शेर बहुत गुस्से में था। इतनी देर कैसे हो गई? तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें खाने से तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। मेरे साथ एक और जानवर भी आया था राजा जी, लेकिन उसे रास्ते में एक और शेर ने खा लिया। इस जंगल में मुझसे बलवान शेर? मुझे दिखाओ, किसने मेरे भोजन पर अपना अधिकार किया? महाराज, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, चलिए। खरगोश शेर को जंगल में कुएं के पास ले गया। महाराज, वो शेर इसी कुएं के अंदर छिपा है। शेर ने उस कुएं में झांका, वहां उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा। शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया। कुएं से बाहर ना निकल पाने के कारण बेचारा शेर वहीं मर गया। अब सभी जानवर खरगोश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। खरगोश की चतुराई से सभी जानवरों की जान बच गई थी और वे सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। Please subscribe.